ज वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स क्लासेज माई नेम इज़ अंशुल मिथल एंड इन दिस वीरियो वी विल बी कवरिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ए सी सी एफ वन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू पब्लिश्ड अकाउंट्स ठीक है तो फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर में बता दूँ ये जो वीडियो बनेगी ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी बनेगी वन आवर की या इससे ज़्यादा भी बन सकती है बट ये चैप्टर बहुत छोटा है चैप्टर इतना बड़ा नहीं है बट ये वीडियो बड़ी बड़ी बनेगी उसका रीज़न क्या है मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ एक्चुअली क्या है अभी जैसे एफ सेवन तुमने जस्ट स्टार्ट किया है तो एफ में जैसा मैंने अपनी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एफ़ के अंदर हमारे को जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ऑब्जेक्टिव के अलावा जो लॉन्गर क्वेश्चंस आते हैं वो हमें सारे के सारे स्प्रेडशीट्स में बनाने होते हैं वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन स्प्रेडशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स में उसको प्रेजेंट करना होता है ठीक है हालांकि दिस इज़ नॉट अ बिग टास्क ये कोई बड़ी बात नहीं है ये बहुत ही छोटी बात है एक दो बार अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस कर दी तो आगे जाके इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लर्निंग नहीं करनी है हमें इसमें कोई वो नहीं है कि थ्योरी पढ़नी है कुछ पढ़नी है इट्स जस्ट अ सिंपल सॉफ्टवेयर जो दो तीन बार चला लिया प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है ठीक है दो तीन बार चला लो अपने आप समझ आ जाएगी चीज़ें इस वीडियो में इस चैप्टर में जो भी बड़ा क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें स्प्रेडशीट में करके दिखाऊंगा तो स्प्रेडशीट में जब करूँगा तो मैं साथ साथ तुम्हें बताऊँगा कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कैसे उसमें लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है कैसे फॉर्मेटिंग करनी है वो सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा सो so गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए चैप्टर मत सोचना कभी बुक में से देख लो कि फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर है इसको तो छोड़ दो ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एफ थ्री में हाँ ये चैप्टर ऑलरेडी तुमने एफ थ्री में पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी यू हैव डन बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये स्प्रेडशीट्स स्प्रेडशीट में कैसे इसको प्रेजेंट करना है तो ये वीडियो पूरी देखना ठीक है सो लेट स्टार्ट द चैप्टर तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो चैप्टर है दिस इज काइंड ऑफ लिंक विद द द चैप्टर इन एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इसमें भी सब कुछ वही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और साथ में उसके कुछ एडजस्टमेंट होती हैं ठीक है थीके? अब यहां पे थोड़ी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट क्या हैं देखो कंपनी अपने अकाउंट्स कौन से पब्लिश करती है दीज आर पब्लिश्ड अकाउंट्स सो पब्लिश अकाउंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी को पब्लिक को कौन कौन से अकाउंट्स पब्लिश करके देने होते हैं एट द ईयर एंड तो कंपनी बनाती है एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज़ आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट ठीक है उसके बाद कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हालांकि ये मैं दोबारा से कराऊंगा सारी चीज़ें सबको ठीक है रीजन मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद ग्रेजुएशन करके जिन्होंने एग्जामिशन ली थी एफ की तो उनको ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि इंडियन अकाउंट्स में या ग्रेजुएशन में स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं होता उसका अलग चीज़ होती है दिस इज़ अ बिट डिफरेंट थिंग तो यहाँ पे मैं ये चीज़ कराऊंगा उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ठीक है ये सारी चीज़ें कंपनी पब्लिश करती हैं इसके अलावा भी एक दो चीज़ें होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे गाइस इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उनके नाम याद रखने पड़ेंगे यू हैव टू नो कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या उसकी हेडिंग है और क्या उसका मतलब है तो दिस यू हैव टू लर्न तो जहाँ भी तुम्हें कोई स्टैंडर्ड दिखे अपनी एक सेपरेट कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना तो इसमें तुम क्या करोगे आई ए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे बुक का पेज नंबर रेफर कर दो ठीक है तो होगा क्या एट दी एंड जब तुम्हारे पूरा सिलेबस हो जाएगा तो सारे आई तुम्हारे एक पेज पे समराइज हो जाएंगे सब आई नंबर और उनके नाम और उनकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो तुम पेज नंबर यहां से मेंशन कर दोगे तो ये जरूर करना है गाइस मैं बाद वाली वीडियोस में इसका रेफरेंस नहीं दूंगा कि कॉपी में लिख लो आई विल डीम के तुम ये कॉपी में ऑलरेडी साथ साथ लिख रहे होगे ठीक है तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं तो आई ए दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या बोलते हैं सो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स दैट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन विच इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हमने जो भी कैलकुलेशन करी है वो कौन सी पॉलिसीज को हमने यूज करें जैसे फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन के लिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हमने कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू विच एवर इज लेस या एनआर वी विच एवर इज लेस ठीक है ना वो यूज़ किया था वो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें क्वेश्चन कैन में डिस्क्लोज करनी होती है अभी इस चैप्टर में नहीं करेंगे बट वैसे जनरली एज पर आई ए एस वन हमें ये डिस्क्लोज करनी है नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट बात है आई ए एस रिवाइज डज नॉट रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर द अब टाइटल्स टू बी यूज बाय द कंपनी अब बहुत बच्चे जब ये पढ़ते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है कि अकॉर्डिंग टू आई एस वन रिवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी के उनको ये सारी चीज़ें बनानी है कंपनीज को इट्स नॉट मैंडेटरी गाइज इट्स नॉट रिटर्न के वो मैंडेटरी नहीं है इट्स रिटर्न के सेम नाम उनको यूज करना है मतलब जैसे इंडिया में हम इसको बोलते हैं बैलेंस शीट इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें बनानी तो है बट हम सेम नाम स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल पोजिशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इट्स नॉट मैंडेटरी कि वही नाम यूज़ करें वी कैन यूज अदर नेम एज वेल ठीक है इट इज़ लाइकली इन प्रैक्टिस दैट मेनी कंपनीज विल कंटिन्यू टू यूज़ द प्रीवियस टर्म्स ऑफ द बैलेंस शीट रादर देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन इनकम स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रादर देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो लेकिन ये सब कुछ तो बनाना ही बनाना है ठीक है कंपनीज के लिए सब कुछ बनाना एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है ठीक है हमने सारी चीजें ऑलरेडी एफ थ्री में कर ली है तो उसकी हमें एक हेल्प मिलेगी अब आगे एक्सेप्शनल आइटम्स अब एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती है इसको मैं पढ़ के बता दूं फिर समझाऊंगा एक्सेप्शनल आइटम इज द नेम ऑफन गिवन टू मटीरियल्स आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सच साइज नेचर एंड इंसुरेंस दैट डिस्क्लोजर इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दर्फॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब ये होता है ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको हमें अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में तो डालना ही है वी हैव टू शो इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें तो डालना डालना है लेकिन इसको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है और इसके लिए हमें डिस्क्लोजर में भी लिखना है एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन जैसे हमने फिक्स एसेट्स पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज करी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आती है ना। और अलग से हम डिस्क्लोजर में उसके बारे में लिखते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कौन सा मेथड यूज करा है तो दैट्स दैट मींस कि एक्सेप्शनल आइटम्स आइटम्स आर दोज ये उसका नेचर साइज इंसिडेंस है दैट उसका हमें डिस्क्लोजर भी करना है और हमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी अलग से शो करना है तो दीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू इंक्लूड द आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस लाइन एंड डिस्कलोज द नेचर एंड अमाउंट इन दी नोट्स यानी डिस्कलोजर नोट्स में ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ़ इन्वेंट्री टू नेट नेटुरइजेबल वैल्यू हम कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं इंपेयरमेंट ऑफ़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड एकमेंट रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशन लिटिगेशन सेटलमेंट रिवर्सल ऑफ प्रोविजन सो तो बेसिकली ये सारी आइटम्स वो हैं जो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखानी है और डिस्क्लोजर नोट्स में भी इनके बारे में अलग से तुम्हें बताना है कि तुमने किस तरह से ये कैलकुलेशन करी है क्योंकि जब तुम बुक्स बनाओगे जो भी रीडर होगा तुम्हारी बुक्स का उसको नहीं पता होगा कि तुमने कौन सा मेथड यूज़ करा है कैल्कुलेशन कैसे करी है तुमने डेप्रिसिएशन की यू हैव टू टेल हिम ठीक है अब प्रॉफिट तुम्हारा जो हुआ था उस प्रॉफिट में कोई एसेट सेल करके भी एक प्रॉफिट हुआ था तो अगर मान लो हमने वन थाउजेंड डॉलर रुपीज़ अर्न किए प्लस इसमें फाइव हंड्रेड डॉलर जो है वो एक एसेट सेल करके दैट मीन्स एक्चुअली जो बिजनेस से हमने कमाई की है वो तो पाँच सौ डॉलर ही करी है ये 500 डॉलर्स तो अलग से एसेट सेल करके पैसे आए हैं ना और ये तो हर बार आएंगे नहीं सो दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्शनल आइटम जिसको हमें अलग से शो करना पड़ेगा और डिस्क्लोजर नोट्स में भी बताना पड़ेगा आगे अब आता है हमारा फॉर्मैट तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट बैलेंस शीट तो इसका सिंपल सा फॉर्मैट है सबसे पहले सारे एसेट्स अब ये जिन जो बच्चे ग्रेजुएशन जिन्होंने करी हुई है उन्होंने ये फॉर्मैट कंपनीज का ऑलरेडी पढ़ा होगा तो और बाकी जिन्होंने एफ़ वन एफ़ टू एफ थ्री फोर करी है उनको तो ऑब्वियसली ये चीज़ पता ही है तो जो चीज़ नहीं होगी किसी के लिए भी वो मैं कराऊंगा तो जैसे एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट्स आते हैं देन करंट एसेट्स आते हैं फिर टोटल ऑफ एसेट देन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कैपिटल एंड रिजर्व देन नॉन करंट लाइबिलिटी देन करंट लाइबिलिटी एंड दिस टोटल लाइबिलिटी इसकी बायफकेशन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को भी होगी कि नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट एसेट्स क्या होते हैं ऑफ़कोर्स क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन करी है अकाउंट्स की नॉलेज तो होगी तुम्हें अभी तक ठीक है ना और अगर तुम्हारे को अकाउंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हें अकाउंट्स की नॉलेज ज़्यादा नहीं है अकाउंट्स का बेसिक की नॉलेज नहीं है आई वुड रेकमेंड कि मेरी एफ थ्री की फिर वीडियो सारी देखो वो बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है देन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि तुम एफ थ्री पूरा एक बार पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे एफ थ्री का बहुत यूज़ होगा ये एफ थ्री का ही आगे कॉन्टीन्यूएशन है यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज नहीं सिखाई जाएंगी दैट वॉज़ बेसिक ठीक है तो F3 पढ़ लेना जिन बच्चों को प्रॉब्लम है एंट्रीज में जिनको ये सारे फॉर्मेट्स में बैलेंस शीट वगैरह जिन्होंने ग्रेजुएशन में नहीं करी उनके लिए तो ये हमारा होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड वी नो दैट टोटल ऑफ एसेट्स ऑलवेज मैचेस विद द टोटल ऑफ लाइबिलिटी ये दोनों हमेशा मैच करते हैं अब आता है आई एस वन रिक्वायर्स एसेट एंड लाइबिलिटी टू बी क्लासीफाइड एज करंट एसेड एंड लाइबिलिटी हमारे करंट एसेट कब होंगे ये भी हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी ट्वेल्व मंथ्स के अंदर सेटल होगी इसी के अंदर सेटल होगी तो वो आएगी करंट में अगर उसकी सेटलमेंट हमें पता है बारह महीने के बाद होगी सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन करंट एसेट या लाइबिलिटी सो करंट तब होगी इफ़ इट विल बी सेटल्ड विद इन ट्वेल्व मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट और इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है अब वैसे तो हम ट्वेल्व मंथ्स लेके चलते हैं कि कोई भी एसेट अगर बारह महीने से कम हमारे पास रखेगा या चेंज होता रहेगा तो वो हमारा करंट एसेट होगा अदरवाइज नॉन करंट अब होता क्या है ये बारह महीने ये एक साल होता है बारह महीने तो जनरली हम ये मानते हैं कि हमारा साल बारह महीने का होता है ऑब्वियसली हम यही मानते हैं लेकिन कई बिजनेसिस ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्ट बनने में ही फिफ्टीन ईयर फिफ्टीन मंथ्स लग जाते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल जैसे बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स बनाते हैं जिस मशीन को बनाने में पंद्रह से बीस महीने लगते हैं सो so, पंद्रह से बीस महीने के अंदर मशीन बनेगी तो पहले ये सामान उधारी पे लेंगे पंद्रह बीस महीने में चीज़ बनेगी उसके बाद जाके बिकेगी उसके बाद जाके पैसे आएंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो फिफ्टीन मंथ्स का हो गया तो यहाँ पे अगर हमें बाइफिकेशन करनी है नॉन करंट एंड करंट की तो हम ट्वेल्व मंथ्स की जगह हम देखेंगे फिफ्टीन मंथ्स अगर कोई भी एसेट 15 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो हमारा करंट की कैटेगरी में आएगा अदरवाइज नॉन करंट एंड जिस एंटिटी का ट्रेडिंग ऑपरेटिंग साइकिल तीन महीने का है उसका मतलब ये नहीं है कि थ्री मंथ्स वाला करंट होगा उसके ऊपर वाला नॉन करंट ना अगर ऑपरेटिंग साइकिल ट्वेल्व मंथ से ज़्यादा है अगर ऑपरेटिंग साइकिल ट्वेल्व मंथ से ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम देखते हैं करंट और नॉन करंट की वायरिफिकेशन के लिए और अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ट्वेल्व मंथ से कम है तो हम ट्वेल्व मंथ लेते हैं करंट और नॉन करंट की में। तो आई जस्ट राइट इट डाउन। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल एक सेकंड थोड़ा तो लेफ्ट में लिखता हूँ इसे अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारा मोर देन ट्वेल्व मंथ्स है देन ऑपरेटिंग साइकिल विल बी कंसीडर्ड जो भी मंथ्स होंगे ऑपरेटिंग साइकिल के जो मंथ्स होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर दायोफकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट एंड अगर ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस दैन ट्वेल्व तो हमारा ट्वेल्व मंथ्स कंसिडर होंगे फॉर द बायोफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसिड या लाइबिलिटी ठीक है विद इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन हाँ सॉरी गाइज आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन सो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो ट्वेल्व मंथ से ज्यादा का है तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम कंसिडर करेंगे फॉर बायोफोकेशन इन नॉन करंट एंड करंट एंड अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन ट्वेल्व मंथ्स है तो ट्वेल्व मंथ्स को हम uh, uh, मानेंगे फॉर बायोफकेशन बिटवीन नॉन करंट एंड करंट सो विद इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अदर कॉम्पोनेट्स ऑफ इक्विटी इंक्लूड्स रीवैल्यूशन सरप्लस शेयर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये चीज़ हम चैप्टर नंबर नाइन में पढ़ेंगे अभी मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा अब आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अब ये चीज़ मैं कराऊंगा क्योंकि ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है उनको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं आती होगी क्योंकि ये चीज़ सिर्फ ए में होती है ये इंडियन अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं है ठीक है तो देखो देखोग इसका सिंपल जो फॉर्मेट है मैं बता देता हूँ इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वेरी ईजी तो जैसे कोई चीज़ अब मैं तुम्हें बोलूँ कि लेट से ओपनिंग वैल्यू कितनी थी उसमें एडिशन कितनी हुई सब्ट्रैक्शन कितनी हुई और क्लोजिंग वैल्यू जैसे नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है ना किसी भी चीज़ का जनरल ओपनिंग वैल्यू उसमें क्या एडिशन है क्या सब्ट्रैक्शन है तो क्लोजिंग वैल्यू दिस प्लस दिस माइनस दिस ये क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी सेम थिंग हैपन्स विद दी इक्विटी अब इक्विटी एंड रिजर्व में जितनी भी चीज़ें हमारी होती हैं जैसे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन रिटेन अर्निंग क्या होती है प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड जो हम डिविडेंड दे देते दे हैं वो हम रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे और बाकी हमारा रिटेन अर्निंग मतलब कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हमने नहीं बांटा वो इतना बचा हुआ है तो अब यहां पे सबसे पहले जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया बैलेंस एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम री सरप्लस रिटेन अर्निंग और ये है इनका टोटल उसके बाद प्रायर ईयर एडजस्टमेंट आई ए एस एट ये हम करेंगे चैप्टर नंबर एट में अभी नहीं करना देन उसके बाद री स्टेटिड बैलेंस मतलब दिस और प्रायर स्टेटेड की एडजस्टमेंट उसके बाद अगर डिविडेंड दिया है तो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा कितना डिविडेंड दिया है टोटल तो टोटल तो मतलब इन सब का टोटल है ये अगर शेयर्स इशू करें तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो कॉम्प्रीहेंसिव इनकम हमारी है रिवैल्यूशन सरप्लस में जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रिवैल्यूशन वैल्यूशन अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो हमारा रिवैल्यूशन प्रॉफिट होता है ठीक है ना ये चीज़ हमने एफ में करी हुई है री प्रॉफिट जब भी जैसे जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे आए हैं तुमने जैसे एसेट को जब रीवैल्यू करा होगा पार्टनरशिप में तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस कि ये जो इनकम आई है ये इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है और ना ये पैसे तुम्हें कभी आ सकते हैं जब तक एसेट नहीं बिकेगा ये सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए है कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो वो एक रिवैल्यूशन सरप्लस तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगा देन ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इसमें से कितना रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है ये हम चैप्टर नंबर टू में पढ़ेंगे और ये चीज वैसे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने F3 करा हुआ है उन्होंने ये चीज ऑलरेडी पड़ी हुई है इन चैप्टर नंबर प्रॉफिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स उन्होंने ये चीज ऑलरेडी पड़ी हुई है ठीक है क्या होता था इसमें कि जब भी हमारा एसेट रीवैल्यू होता था तो रीवैल्यू होने के बाद उस एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगती थी तो उस डेप्रिसिएशन का कुछ पार्ट हम वैल्यूएशन से रिटेन सरप्लस में ट्रांसफर करते थे ये अगर किसी को समझना है तो वो मेरा एफ थ्री का चैप्टर जो है डिप्रिसिएशन uh, वो देख ले वहाँ से उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वैसे काफ़ी बच्चों ने एफ थ्री पढ़ा होगा तो उनको हो ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको आएगी जो ग्रेजुएशन के बाद आए हैं जिन्होंने एफ वन टू एफ फोर की एग्जामिशन ली है ठीक है ये मैं चैप्टर नंबर टू में करा दूंगा देन आता है बैलेंस एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ये फिर इनका बैलेंस आ जाएगा सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिंपल कुछ ज़्यादा नहीं है जो बढ़ रही है वो ऐड कर दो जो कम हो रही है वो माइनस इस चैप्टर के लिए हमें इतना डिटेल में ये नहीं करना इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है देन आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम ये अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम मैंने बताया था ये भी चैप्टर नंबर टू में हम कवर करेंगे और जो मैंने बताया था कि जब भी हमारा एसेट कोई री होता है लेट से बिल्डिंग हमारी पहले थी एक लाख की अब हो गई एक लाख अस्सी हजार की तो हमें एट्टी थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ है बट ये अनरियलाइज प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कभी हमें आने नहीं वाला जब तक हम बिल्डिंग नहीं बेचते अगर बिल्डिंग हमारे पास है तो ये बुक्स में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो दैट्स वाई दिस इज़ शोन एज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ओ दिस इज़ नॉट रेगुलर बिजनेस इनकम दिस इज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम तो बात यह इसकी प्रेजेंटेशन ठीक है गाइज ये जो सारी चीज़ें हैं मैं अभी कुछ नहीं करा रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़नी हैं वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर डिफरेंट चैप्टर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है तो वहाँ पर सारा तो मैं बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ कब कब कैसे कैसे शो करनी होती है ठीक है जैसे एक बार पढ़ लेते हैं अमेंडमेंट्स टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन रिवाइज चेंज how items of oci are presented in the financial statements that means other comprehensive income they do not change which item should be presented in oci in principle items of oci must be classified as follows items that might be reclassified or recycled to profit and loss in the subsequent accounting period just say foreign exchange gains or losses arising from translation of a foreign operation effective part of cash flow hedging arrangement री मेजरमेंट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स और डेजिग्नेटेड टू बी क्लासीफाइड एज फेयर वैल्यू ऑफ ओ सी आई ये चैप्टर नाइन में पढ़ेंगे ये दोनों तुम्हारे एफ आर के सिलेबस में ही नहीं है तो इसको करने की जरूरत नहीं है हमें आइटम्स दैट डू नॉट नीड री क्लासिफिकेशन चेंजेस इन री वैल्यूशन सरप्लस ये भी हम चैप्टर्स में करेंगे आगे री मेजरमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड टू बी क्लासीफाइड एड फेयर वैल्यू ये भी हमें चैप्टर नंबर नाइन में करना है तो मेन मकसद सिर्फ ये है कि ओ सी आई में तुम्हें क्या चीज़ क्लासीफाई करनी है क्या रिक्लासीफाई नहीं करनी बस तो इसका कुछ नहीं करना तुम्हें अभी सिर्फ समझने के लिए था बताने के लिए था कि इसका अभी पढ़ के कोई भी फायदा नहीं है अगर मैं ऐसे छोड़ देता तो मोस्टली बच्चे बोलते कि सर ने छुड़वा दिया सर ने बताया नहीं कि इंपॉर्टेंट है तो अभी इसका कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट अस्टेटमेंट आई एस सेवन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स दैट यू प्रिपेयर ई द अटेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम शोइंग टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग रियलाइज प्रॉफिट और लॉस प्लस अ स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रेंसिव इनकम मतलब या तो इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम को साथ साथ बना लो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को अलग बनाओ और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अलग बनाओ और एंड में इनका टोटल कर दो बात एक ही है यहां पे सिर्फ एक ही बारी में कर दिया यहां दो में डिवाइड कर दिया दो फॉर्मेट्स में जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो कंबाइंड है तो सबसे पहले आता है हमारा सेल्स उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड प्लस एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ गिवन इन एडजस्टमेंट अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी खर्चे को हमें कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है अभी एक इलेट्रेशन कराऊंगा तो उससे पता चलेगा अगर किसी भी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि हमें उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है तो हम उसे यहाँ पे शो कर देंगे एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर एडजस्टमेंट में है अदरवाइज नॉट ये भी तुम्हें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मेट गाइस तुम्हें लर्न करना पड़ेगा एग्जैक्ट फॉर्मैट यू हैव टू लर्न मैं क्यों बोल रहा हूँ इस टाइम क्योंकि इसका भी इनफैक्ट बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का भी रीजन F3 के अंदर तुम्हारे कोई सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन होती थी तुम्हें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करनी होती थी बट नाउ स्प्रेडशीट में तुम्हें ये फिजिकली मैनुअली सारा एंटर करना पड़ेगा तो तुम्हें पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए तो पहले रेवेन्यू यानी सेल्स फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड देन ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से माइनस करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी काइंड ऑफ सेलिंग कॉस्ट इसमें आ जाएंगी ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन वो सारा हमारा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव में उसके बाद हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इसमें से हम माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट दैट मीन्स इंटरेस्ट और अगर कोई हमारी अदर इनकम है अदर इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम और कोई इनकम वो हम यहाँ ऐड कर देंगे देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें हम टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे दिस टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन दिस प्रॉफिट जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसमें जितने भी परसेंट लेट्स से थर्टी परसेंट टैक्स है तो इस पर थर्टी परसेंट कैलकुलेट करके हम यहाँ लिख देंगे दैट इज इनकम टैक्स एक्सपेंस और लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर ठीक है गाइज इसको पॉज करके इस फॉर्मेट को दो तीन बार पढ़ लो ये तुम्हें बाय हार्ट लर्न करना है दिस इज बेस ये पूरे अकाउंट्स में यूज होगा जैसे जर्नल एंट्री नॉर्मल बेसिक में यूज़ होती थी यहाँ पे ये फॉर्मेट तुम्हें लर्न करना पड़ेगा रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स उसे ग्रॉस प्रॉफिट उसमें सेलिंग एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देन इंटरेस्ट इनकम माइनस करोगे और अदर इनकम ऐड करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अदर मैंने बताया था इसके साथ ही आती है तो जो भी अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम होगी कि गेन और लॉस ऑन री गेन और लॉस ऑन फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ये हमने पढ़ना है अभी चैप्टर में वो जो भी होगा यहाँ लिख के टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर वो यहाँ आ जाएगा दिस प्लस दिस टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम तो ये तो था जब फॉर्मेट अलग अलग साथ साथ हैं अब यहां पे है दोनों अलग अलग अब ये सेम फॉर्मेट है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकाल दिया देन हमने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का अलग से फॉर्मेट बना दिया ठीक है वो प्लस ये तो प्रॉफिट फॉर द ईयर को हमने यहां लिख दिया उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड टोटल बेसिकली पुराने क्वेश्चन में ये नहीं था ये चीज नहीं थी सिंपल उन्होंने इसके बाद ये दोनों चीजें लिख दी थी यहां पे बस फॉर्मेट में इसको ऐड कर दिया नथिंग एट ऑल बिग यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट ठीक है अब इसके बाद आता है हमारा ये क्वेश्चन अब ये सारी चीजें जितने भी द फॉलोइंग क्वेश्चन एनेबल्स प्रिपरेशन ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल अकाउंट यूटिलाइजिंग द नॉलेज गेन एट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू बी एबल टू कंप्लीट एंड एफ आर पब्लिश अकाउंट्स क्वेश्चन दीज बेसिक प्रिपरेशन टेक्निक्स मस्ट बी फॉलोड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन चैप्टर टू टू फिफ्टीन मस्ट बी लर्न ये हमें लर्न करने पड़ेंगे अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है अब ये क्वेश्चन तुम्हारे को मैं एक्सेल में कराऊंगा ठीक है तो याद रखना इस क्वेश्चन में हमारे को सॉल्यूशन प्लस फॉर्मैटिंग इन सब चीज़ों का ध्यान देना है दिस इज इम्पॉर्टेंट ये हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस दिस इज़ टायल बैलेंस तो ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड ये हमने एफ़ थ्री में भी सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है जो ग्रेजुएशन बी कॉम से जिन्होंने करी है उनको भी पता है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं तो उनको और किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगेन आई एम सेंग जिन बच्चों ने अकाउंट्स इनका बैकग्राउंड अकाउंट्स का नहीं है और जिन्होंने एफ़ वन टू एफ़ फोर की एग्जामिशन ली है उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एफ़ थ्री करना मैंडेट्री है वरना ये सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको अकाउंट्स जिनका वीक है जिनका ग्रेजुएशन तो हो गई बट अकाउंट्स की नॉलेज ज्यादा नहीं है उनके लिए ठीक है तो अब एक क्वेश्चन करते हैं मैं एक क्वेश्चन तुम्हें एक्सेल में कराता हूं क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो गाइज लेट स्टार्ट द्वेश्चन अब बहुत ध्यान से देखना कि मैं इस क्वेश्चन को स्प्रेडशीट के अंदर कैसे शो करता हूं ठीक है अब गाइज देखो मैंने यहां पर स्प्रेडशीट ओपन कर दी है ठीक है अब मैं स्प्रेडशीट में तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है कौन सी वैल्यू का क्या क्या इफेक्ट आएगा तो बहुत ध्यान से देखना गाइस ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट तो जैसे ये हमारी स्प्रेडशीट है पहले स्प्रेडशीट पे आते हैं सबसे पहला काम जो हमें करना है दैट इज टू मेक द फॉर्मैट सबसे पहले हमें फॉर्मेटिंग बनानी है अब इस क्वेश्चन में हमारे को ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं प्लस हमें दिए हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजिशन यानी बैलेंस शीट दोनों बनानी है तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू हम ये स्प्रेडशीट के अंदर अपना पहले पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट अच्छा जस्ट वन सेकंड गाइस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो गाइज ये ध्यान से देखना मैं तुम्हारे को ऑलरेडी बनाने के बाद बना के शो नहीं कर रहा कि मैं बना के इन द सेंस के पहले ही बना बनू के तुम्हारे को सिर्फ दिखाऊं कि देखो मैंने ऐसे बना दिया नहीं मैं तुम्हें खुद एक एक फिगर डाल के बना के दिखा रहा हूं ताकि तुम समझो कि तुम्हें इस चीज को कैसे लिखना है एक चीज गायज तुम्हें यहाँ पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि तुम यहां पे इसको अंडरलाइन करो हेडिंग बनाओ ये सब करो सॉरी गायज मुझे बीच में एक थोड़ा सा कॉल आ गया था हाँ तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि हमें इसका फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है और क्या इस फॉर्मेटिंग में एक चीज़ ध्यान रखना इट्स नॉट मैंडेट्री कि हमारे को इसकी जैसे कई लोग जिनको एक्सेल आता है वो सोच रहे होंगे ऑब्वियसली जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है तो थोड़ा बहुत एक्सेल आता होगा तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना ये सब कुछ इतना डिटेल में तुम्हें नहीं करना यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू गिव सिंपल आंसर अगर टाइम है तुम्हारा पेपर करने के बाद तो इसको थोड़ा सा सजा सकते हैं लेकिन वैसे सजाने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी रखनी है तो कैसे फॉर्मेटिंग अच्छी करेंगे यहां पे देखो एक सेकेंड गाइस जस्ट गिव मी वन सेकेंड तो तो हम यहां पे क्या करेंगे सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे ठीक है यहां पे हम लिखेंगे Particulars, कैलकुलेशन और अरे कैलकुलेशन और अमाउंट पर्टिकुलर कैलकुलेशन अमाउंट अब तुम सोच रहे हो सर ये तो हमें पूरा दिख ही नहीं रहा तो इसको क्या कैसे करना है मेगा यहां पे देखो जब भी हम किसी सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे हम इस सेल को बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो तुम्हें क्या करना है जिस भी सेल में जाओगे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो ठीक है थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लो और अगर ये चीज़ नहीं करनी तुम चाहते हो ये चीज़ नहीं करनी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है हम क्या करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर इतने कष्ट नहीं करने तो पर्टिकुलर्स थोड़ा सा स्पेस देख के यहाँ पे कैलकुलेशंस और यहां पे आगे अमाउंट ठीक है पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन एंड अमाउंट कैलकुलेशन का सी छोटा हो गया मैं ठीक कर लेता हूं तो ये मैंने बना लिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा अभी फॉर्मेट अब इसके आगे सबसे पहले आता है मेरा रेवेन्यू आता था रेवेन्यू के बाद क्या होता था गाइस कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमारा क्या आता था इसको एक स्पेस छोड़ देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसमें क्या करते थे माइनस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एक सेकेंड एक्चुअली क्या है आई एम यूजिंग आउट दूसरा इसका टाइप राइटर और तो टाइप राइटर कहना सॉरी की पैड तो थोड़ा सा मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है बहुत छोटा की पैड है ये क्योंकि टैप के लिए यूज कर रहा करो ना दैट्स वाई तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसके बाद हमारा क्या आता था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हमारे क्या माइनस करते थे हम इसमें से फाइनेंस फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट और इसमें ऐड करते थे इन्वेस्टमेंट इनकम या अदर इनकम आई जस्ट राइट अदर इनकम क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम अदर इनकम एक ही साथ आएगी ठीक है थीके? इसके बाद हमारा आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसके बाद इनकम टैक्स और एंड में आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये मैंने पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट बना लिया ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने यहां एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया तो इस फॉर्मेट से मुझे क्या फायदा है मैं एक काम करता हूँ इसको अब थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है क्योंकि मैं पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना चाहता हूँ पर्टिकुलर्स के बाद क्योंकि रेवेन्यू में भी तो मैं क्या करूँगा इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट करा कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स मतलब कट अब एरो नीचे लाया और कंट्रोल वी यानी पेस्ट नीचे मैंने पेस्ट कर दिया तो इसके बीच में एक स्पेस आ गया मैंने सारे को उठा के कट करके नीचे वाले सेल में ला पेस्ट कर दिया तो सारा का सारा नीचे शिफ्ट हो गया तो मुझे इस सारे को सिलेक्ट करना पड़ा इस पूरे को सिलेक्ट करना पड़ा ठीक है ये जब तुम थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओगे अपने आप अपनी चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत कॉमन चीज़ है अब ये तो मेरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अब इसके बाद मेरे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाना है तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एग्जाम में करनी है देख के मुश्किल लग रहा है कि सर इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बट जब हम कॉपी में करते हैं तब भी तो बनाना पड़ता है ना सारा ये अब तुम्हें तो बल्कि स्प्रेडशीट में फायदा ये है कि कैलकुलेशंस तुम्हें हाथ से करनी ही नहीं पड़ेंगी यहीं से कैलकुलेशन करेंगे मैं बताऊंगा अभी शॉर्टकट्स ठीक है सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ बनती है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अगेन यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा पर्टिकुलर पहले हमारा सॉरी सबसे पहले आता है हमारा एसेट साइड तो एसेट एसेट में हमारे कौन से आते हैं नॉन करंट एसेट अब देखो क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स कितने हैं ये तो हो सकता है आठ नौ दस हो बारह हमें तो पता नहीं नॉन करंट एसेट्स कितने तो नॉन करंट एसेट्स के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ एक दो लाइन जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हम देखें नॉन करंट एसिट मुझे कौन से दिख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं बट इनके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊँगा जैसे हमने एफ़ थ्री में तो नहीं ऑफकोर्स बट जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है उनको पता होगा कि हम हर चीज़ का वर्किंग नोट बनाते थे तो यहाँ पर मैं इसका एक वर्किंग नोट बनाऊँगा सारी कैलकुलेशन का कैसे तुम्हें मैं बताऊँगा और वही वर्किंग नोट मैं यहाँ पे शो करूंगा आई टेल यू हाउ ठीक है सो नॉन करंट एसेट्स के बाद इसका मैं वर्किंग नोट अभी बना के दिखाऊंगा गैस सबको इसके बाद आते हैं हमारे करंट एसेट्स अब करंट एसेट्स में मैं चार पांच जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि हो सकता है हमारा कैश बैंक क्लोजिंग स्टॉक काफी सारी हो तो मैंने पांच छह लाइनें छोड़ देता हूँ अभी क्योंकि मुझे पता नहीं बाइफिकेशन क्योंकि बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट होता है वो सिर्फ नॉन करंट एसिड और करंट एसिड होता है इसका वर्किंग नोट हमें नहीं बनाना होता ये हमें यहीं शो करना होता है नॉन करंट एसिड का हम वर्किंग नोट बना सकते हैं ठीक है ठीके? तो करंट एसिड थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ मैंने लिख दिया टोटल तो ये मेरा हो जाएगा टोटल ऑफ एसिड तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ एसिड अब आगे करते हैं हम लाइबिलिटी साइड तो उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी कौन सी होती है गाइश शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल देन रिजर्व एंड सप्लॉज या रिटेन अर्निंग सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स उसके बाद हमारी आती है नॉन करंट लाइबिलिटी अब नॉन करंट लाइबिलिटी भी नहीं मुझे पता कौन सी है तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं ठीक है दो तीन लाइनें छोड़ के देन करंट लाइबिलिटीज इसके लिए भी चार पांच एने छोड़ के और लास्ट में टोटल अब ये मैंने बना दिया अपना एक रफ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ठीक है और ये है मेरा रफ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको अच्छा करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें भी इसको पढ़ने में अच्छा लगे ठीक है ना तो मैं अभी बस मैं सिंपल बता रहा हूं मैंने सिर्फ यहां पे करके कंट्रोल बी प्रेस करके इसको बोल्ड करा है वरना तुम्हें वहाँ पे एक बी का ऑप्शन मिलेगा लाइक दिस ऐसे बी का ऑप्शन मिलेगा दैट मीन्स बोल्ड तो इसको प्रेस कर लेना तो हेडिंग तुम्हारी बोल्ड हो जाएगी तो ये मेरी हेडिंग बोल्ड हो गई है अब मुझे क्या करना है गाय अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ अब क्वेश्चन से क्या करना है सबसे पहली चीज़ जो गायज मैं हमेशा ऐसे बड़े क्वेश्चन में करता हूँ मैं सारी एडजस्टमेंट्स मार्क करता हूँ फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज मार्क ऑल एडजस्टमेंट और उसके बाद जिन चीज़ों पे एडजस्टमेंट है उनका इफेक्ट डाल के देन दूसरों पे अब देखो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहां कहां पे आता है एक तो आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में और दूसरा हमारा करंट एसेट में आता है ठीक है तो एक काम करते हैं हर एडजस्टमेंट को साथ साथ लिखते रहते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन के नीचे इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक मैं लिख देता हूँ वैसी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो अब देखो देखोगा यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले इज इक्वल टू ठीक है या इज इक्वल टू नहीं सीधा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक को मैं अभी मानता हूं जीरो प्लस परचेज को जीरो माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेरा है जब वो चीज मिलेगी मैं इसको यहां पे डाल दूंगा तो मैंने इसका लिख दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसकी एक एडजस्टमेंट होगी क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट होती हैं एक एडजस्टमेंट यहां की सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा ये करंट एसेट के अंदर आता है तो मैं इसको करंट एसेट में शो कर देता हूं तो करंट एसेट में यहां पे मैं लिख देता हूं इन्वेंट्री तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जैसे यहां पे अमाउंट आई थिंक ऊपर भी हमने यही अमाउंट करा था हाँ यहां अमाउंट है ये सेम चीज में वहां भी लिख देता हूं कॉपी करा कंट्रोल सी बैलेंस शीट में आए इसमें भी कंट्रोल वी लाइबिलिटी साइड में आए कंट्रोल वी ये मैंने फॉर्मेट बस वहां से कॉपी कर लिया ठीक है अब दूसरा इसको करंट एसेट में लिखूंगा इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री में लिख देता हूं अमाउंट टू फाइव ये ठीक है पहली एडजस्टमेंट मेरी होगी अब इसको मैंने यहां से टिक कर दिया इसका कुछ नहीं करना मेरे को नेक्स्ट एडजस्टमेंट बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग नो रेज्यूल वैल्यू द फॉलोइंग रेट्स ऑन कॉस्ट बिल्डिंग पे इतना एंड प्लांट एंड मशीनरी पे इतना ये हमें डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए हैं अब इसका इफेक्ट किससे लिंक होता है हमारा लैंड एंड लैंड और इससे इसका इफेक्ट इससे जाएगा अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे इसके लिए आई मेक अ वर्किंग नोट अब ध्यान से देखना गायज वर्किंग नोट ये मैं अपनी बैलेंस शीट के एंड में यहां पे जब सारा खत्म हो गया यहां पे तुम्हें, guys, मैं एक बता रहा हूं तुम्हारे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि तुम बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाओ दैट्स नॉट रिक्वायर्ड बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है सिंपल फॉर्मेट ही बनाना है तुम्हें क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा बना लोगे तो दैट इज गुड बट अगर तुम सिंपल भी बना लोगे तो दैट विल ऑल्सो वर्क अब वर्किंग नोट सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर वन ये है मेरा देखो आई राइट एसेट्स अब से रिलेटेड सारा वर्किंग नोट मैं यहां कैसे बनाता हूं ये सेम चीज है जैसे हम नॉर्मल कॉपी में बनाते थे देखो अब लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दिया हुआ है इसकी कॉस्ट लैंड की कॉस्ट है इतनी बिल्डिंग की कॉस्ट है डेप्रिसिएशन इन पे टोटल कितनी लगी हुई है प्लांट एंड मशीनरी उस पर डेप्रेशन कितनी लगी हुई है अब एक काम करते हैं तो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है जैसा तुमको ठीक लगे वैसा कर सकते हो तो मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं तो मैंने यहां पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग ठीक है एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर मैंने लिखा यहाँ पे नेम ऑफ द एसेट उसके बाद नेम ऑफ द एसेट के बाद ओपनिंग ओपनिंग कितनी थी ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था मैंने देखा था कि नो एसेड नो परचेज और सेल ऑफ एसेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एसेड परचेज सेल नहीं किया तो जितना मेरा ओपनिंग है उसके बाद एडिशन सेल या परचेज लिख देता हूं अगर हमने एसेट परचेस है एसेट सेल करा है क्लोजिंग ठीक है उसके बाद क्लोजिंग के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आज तक लगी है और उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर और यहां पे क्लोजिंग वैल्यू ठीक है या टोटल uh, डेप्रिसिएशन तुम बोलोगे सर क्या क्या लिखे जा रहे हो है ना कोई बात नहीं कहा बताऊंगा सारा मैं तभी मैंने कहा था वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि यहां बहुत चीजें तुम्हें समझनी है छोटी छोटी और रिटर्न डाउन वैल्यू अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं मैंने यहां पे करा क्या है देखो मैंने लिखा नेम ऑफ एसेट इसको पहले हटा देते हैं नेम ऑफ एसेट के बाद उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन से देख लेंगे अगर परचेज करा या सेल करा ये इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन अगर किसी और क्वेश्चन में होगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा क्लोजिंग वैल्यू आ गई एसेट की अब क्लोजिंग के बाद उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितनी लगी हुई है उसके बाद डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल कितनी लगेगी तो टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस कितनी होगी क्लोजिंग वैल्यू और टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि आज की डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है ठीक है अब देखो सबसे पहले था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा एसेट कौन सा था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी ठीक है अब सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू मुझे कितनी लिखी हुई है क्वेश्चन से देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट वन लाख टेन थाउजेंड यह है ओपनिंग वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू एट कॉस्ट अच्छा सॉरी टू लाख टेन थाउजेंड है मैंने जीरोज में आंसर नहीं निकाला मैंने नॉर्मल आंसर करा है तो इसको मैं करूंगा गाइस uh, अब इसमें ना एक कन्फ्यूजन क्या हो सकती है यहाँ पे वैल्यू जैसे थाउजेंड्स में दी हुई है ये टोटल वैल्यू है और ये सारी वैल्यू है इन थाउजेंड्स तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि बच्चे आंसर इन थाउजेंड ना निकालें क्योंकि अगर इन थाउजेंड तुम करोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है तो लेट्स कीप इट लाइक नॉर्मल तो ओपनिंग वैल्यू मुझे दी हुई है दिस इज टू लैख टेन थाउजेंड अरे उजेंड और प्लांट एंड मशीनरी मुझे दी हुई है 1 यहां पे मैं वैसे फॉर्मूला लगा रहा हूं जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ताकि तुम्हें चीज समझ आए तो फॉर्मुला में लिखा इज इक्वल टू लेफ्ट एरो ओपनिंग देन प्लस परचेज माइनस सेल्स एंटर इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस सेल्स का मैंने यहां एक फॉर्मूला लगा दिया तो सिंपल कैसे हमें करना है इज इक्वल टू करके एरो की से हम कोई भी किसी भी सेल पर जा सकते हैं तो इस सेल को किससे प्लस करना है तो प्लस करके देन दोबारा एरो की यूज करेंगे तो कौन सेल पर आ जाएगा देन माइनस देन ये तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है घबराने की बात नहीं है जब तुम दो तीन बार ऐसे करोगे अपने आप एडिक्शन इसकी हो जाएगी अपने आप समझ आ जाएगा सेम वे नीचे इज इक्वल टू दिस प्लस परचेस माइनस सेल्स अब अक्यूमुलेटिड इन पे आज तक कितनी लगी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग पे टोटल लगी है फोर्टी एट थाउजेंड प्लांट एंड मशीनरी पे लगी हुई है सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ये भी हो गया तो जो होता जा रहा है मैं उसको टिक कर देता हूं ये भी लिख दिया मैंने एडजस्टमेंट में ये भी लिख दिया अब अबेडन के बाद फॉर द ईयर तो हमें एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है फाइव परसेंट प्लांट एंड मशीनरी पे ट्वेंटी परसेंट अब देखो बिल्डिंग हमारी कितनी थी वन लाख लैंड पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगती है बिल्डिंग थी वन लाख की तो वन लाख का टेन परसेंट अगर मैं कैलकुलेटर पे करूं कैलकुलेटर पे कर लो लाख का टेन परसेंट इज थाउजेंड मेरी बिल्डिंग पे होगी प्लांट एंड मशीनरी मेरी है कॉस्ट इसकी है वन 25, 000, और इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी दैट इज ट्वेंटी परसेंट तो वन लाख ट्वेंटी परसेंट अब देखो इस मैं ये चीज तुम्हें इस स्प्रेडशीट में ही करके दिखा रहा हूँ ध्यान से देखो कैसे होगा इसका तरीका बहुत सिंपल है बिना कैलकुलेटर के भी हम कर सकते हैं मैंने लिखा इज इक्वल टू इज इक्वल टू जो भी ये मेरी कॉस्ट थी दिस क्लोजिंग इज माई कॉस्ट दिस कॉस्ट मैंने देन दिस इज मल्टीप्लीकेशन का साइन ये मैंने ऑलरेडी एफ टू की वीडियो में स्प्रेडशीट में बताया हुआ है मल्टीप्लाई इस पर डेप्रिसिएशन कितनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट ओ सॉरी डेप्रिसिएशन इज ट्वेंटी परसेंट तो यहां पे दिस इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंटर ये देखो ये ऑटोमेटिकली इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग गई तो मैंने ये वाला फॉर्मला मैंने क्या करा इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड ये आ गई मेरी डेप्रिसिएशन ठीक है अब दोनों सालों की ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ गई डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर तो टोटल डेप्रिसिएशन मतलब ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी प्लस ड्यूरिंग द ईयर कितनी लग गई इज इक्वल टू पहले इतनी थी प्लस ड्यूरिंग द ईयर हमारी इतनी लग गई एंटर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एंटर तो ये मेरी हो गई टोटल डेप्रिसिएशन अब गाइस मुझे निकालनी है रिटर्न डाउन वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड क्या होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी थी ये क्लोजिंग थी मेरी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन इस पे मैंने ये लगा दी तो दिस इज माई टोटल डेप्रिसिएशन एंटर दोबारा इस पे भी इज इक्वल टू क्लोजिंग इज माई टोटल कॉस्ट माइनस टोटल आज तक की डेप्रिसिएशन टोटल दस तो ये मेरी आ गई इसकी आज की डेट की रिटर्न डाउन वैल्यू ठीक है गाइज समझ आइए अच्छा गाइज मैंने यहां एक गड़बड़ कर दी डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे थी फाइव परसेंट मैंने गलती से टेन परसेंट ले ली तो वन लाख का फाइव परसेंट होता है फाइव थाउजेंड तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ फाइव थाउजेंड वाटो ऑटोमेटिकली देखो मेरी वैल्यू चेंज होगी डेप्रीसिएशन मैंने गलत ली थी देखो टोटल में इसने ऑटोमैटिकली फिगर चेंज कर दी और रिटर्न ऑन वैल्यू भी चेंज कर दी ठीक है कैसे देखो कंट्रोल जेड ये देखो पुरानी वैल्यू थी अब ये फिगर अलग थी ये देखो ये फिगर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई क्योंकि फॉर्म लगे हुए हैं ठीक है ठीके? और नीचे मैं लिख देता हूं टोटल ये मैं कर देता हूं टोटल दोबारा से देखो एक बार बस टी ओ टी एल अब देखो गाइज एक सिंपल सा तरीका इज इक्वल टू दिस ऊपर वाला सेल प्लस ये ये मेरा टोटल आ गया अब देखोग अगर मुझे इन सबका टोटल करना ऐसे नीचे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो सिंपल तरीका क्या है इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी कॉपी और बाकी सब में कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल वी मैंने क्या किया इसको कॉपी करा देन यहां पे सेल रख के शिफ्ट दबा के नेक्स्ट नेक्स्ट सरकाता गया तो आई यहां तक वैल्यू आ गई और मैंने कंट्रोल वी दबा दिया इसका मतलब क्या है यहां जो फॉर्मूला था वो क्या था ऊपर वाले दोनों का टोटल तो जब मैंने यहां पे ये फॉर्मूला पेश किया तो इसने भी ऊपर वाले दोनों का टोटल कर दिया यहां पे ऊपर वाले दोनों का टोटल ऐसा नहीं है अगर मैं इसको यहां पे पेश करूंगा तो इधर भी इन्हीं का टोटल आएगा नहीं सिंपल यहां पे इन दोनों का टोटल आया यहाँ पे इन दोनों का टोटल यहाँ इन दोनों का ऐसे तो ये मैंने टोटल का फॉर्मूला लगा दिया और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ इसको दोबारा इसको पूरे को मैं सिलेक्ट कर लिया ये देखो और मैंने सबके में अलग सिस्टम होगा गाइज मेरे में अलग है सब में तो सबको ये ऑप्शन देखना है बी ये मेरा बोल्ड हो गया सो दिस इज़ टोटल ठीक है गाइज बहुत बोरिंग हो रही बहुत बोरिंग वीडियो बन रही होगी ना बड़े बोर हो रहे होगे बट गाइज करना तो है ज़रूरी है है ना अब देखो इसका इफेक्ट क्या क्या होगा इस वर्किंग नोट का तो पहला इफेक्ट तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लगी है टोटल थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड जो मेरी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगी है वो मेरी कहां जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी अब यहां पे एक पॉइंट डेप्रिसिएशन के लिए ये भी लिखा हुआ है अब देखो ये क्या मतलब है गाय इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज टू दिस आर एपोर्शन एज बिलो के टोटल जो भी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है दैट मीन्स थर्टी थाउजेंड सिक्सटी परसेंट जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्वेंटी परसेंट जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट में एंड ट्वेंटी परसेंट जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में ठीक है सिक्सटी परसेंट जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्वेंटी परसेंट यहाँ ट्वेंटी परसेंट यहाँ तो इसका अब मुझे पता है टोटल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द एय थर्टी थाउजेंड अब मैं एक काम करता हूँ इसी एक्सेल में इसका इफेक्ट जो भी आएगा देखो गाइस अरे एक सेकेंड हम्म तो एक्सेल में जाते हैं तो सबसे पहले मुझे बोला है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में अभी ये मेरा एक्सपेंस है तो अगर ये एक्सपेंस है तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं इधर इधर गया मैं इस बॉक्स में यहां पे मैंने इधर क्लिक कर लिया इनके बीच में प्लस, अब मुझे इसमें प्लस क्या करना है सिक्सटी परसेंट ऑफ डिप्रीशिएशन इज कहाँ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो मैं कर दूंगा परसेंट क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि मैंने कैलकुलेशन कैसे किए 60% परसेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड तो ये ऐसे शो होगा सिक्सटी परसेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड ये अमाउंट को मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी तुम इसको कंट्रोल कैसे मतलब यहाँ पे जब होगा कंट्रोल एक्स मीन्स कट कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट कंट्रोल एक्स जो तुम्हारे कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन होगा उसको प्रेस करके रखना और एक्स दबा देना तो वो कट हो जाएगा और कंट्रोल वी दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल एक्स इज़ फॉर कट कंट्रोल सी इज़ फॉर कॉपी कंट्रोल वी इज़ फॉर पेस्ट ये बहुत ही कॉमन फॉर्मलेस हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने अभी तक जो मुझे पता है ये तो मेरा है क्लोजिंग स्टॉक और ये है डेप्रिसिएशन अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि सिक्सटी परसेंट जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्वेंटी परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में मैं अभी लिख लेता हूँ सिंपल ब्रैकेट इज इक्वल टू नहीं मैंने यहाँ पर आंसर नहीं निकालना आंसर नहीं निकाला मैंने सिर्फ कैलकुलेशन दिखानी है एग्जामिनर को कि मैंने जो ये वैल्यू निकाली है वो ऐसे निकाली है उसको भी तो पता चलना चाहिए ना तो हमने सिर्फ यहाँ पे उसको दिखाना है वर्किंग नोट में तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरी कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड वैसे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इस कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मगर एग्जाम में सीधा सीधा यहां पे भी लिख देते हो टोटल करके तब भी कोई दिक्कत नहीं है बट द पॉइंट इज ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज फॉर यू ताकि तुम इसको समझ सको कि कौन से एडजस्टमेंट का कहां कहाँ इफेक्ट आया तुम चाहो तो ये कैलकुलेशन सिर्फ रफ में करके सीधा सीधा यहां पे अमाउंट भी लिख सकते हो इसकी जरूरत नहीं है ये सिर्फ मैं तुम्हारे को दिखाने के लिए कर रहा हूँ इनफैक्ट आई वुड से कि एग्जाम में ये कैलकुलेशन तुम मत करना ठीक है क्या कर सकते हो इस कैलकुलेशन को लेट से एक काम करते हैं थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं मैं क्या करता हूँ इस कैलकुलेशन को यहां से कट करता हूं और आगे यहाँ पेश कर देता हूं और अरे यार और ये जो मेरा अमाउंट है कंट्रोल एक्स कट कंट्रोल वी पेस्ट अब दोबारा से इसको कंट्रोल एक्स कट ये लो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है कि मैंने यहां पे वर्किंग बता दी और ये मेरा अमाउंट आ गया कि ये जो कैलकुलेशन मेरा अमाउंट आएगा तो ये मेरा प्रॉपर फॉर्मेट बन गया और आगे आगे इसकी वर्किंग के ये कैसे आई वैल्यू आई थिंक दिस इज़ बेटर तुम एग्ज़ाम में ऐसे तो एटलीस्ट कर सकते हो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहां पे डाल दी इसका एक और फायदा क्या है अगर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होती है तो तुम्हें अमाउंट शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा अमाउंट यहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट थी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में तो ब्रैकेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड ठीक है अब मैंने इसका इफेक्ट भी डाल दिया डन जहां जहां तीनों में बायोफकेट होगी वो मैंने कर दी बायोफकेशन सिक्सटी परसेंट यहां ट्वेंटी यहां ट्वेंटी यहां और बाकी दूसरा इफेक्ट क्या होगा मुझे अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट मेरे कितने आए हैं तो यहां पे भी कैलकुलेशन को मैं शिफ्ट कर देता हूं एक सेकेंड गाइस ठीक है तो नॉन करंट एसेट की मेरी वैल्यू यहां पे मुझे लिखनी है रिटर्न डाउन वैल्यू तो नॉन करंट एसेट की मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेरी कितनी आई थी फिक्स एसेट स्कड्यूल के अकॉर्डिंग रिटर्न डाउन वैल्यू वॉज वन लाख एटी टू थाउजेंड दैट मीन्स टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन दिस इज वन लाख एटी टू थाउजेंड तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको वन लाख एटी टू थाउजेंड ये मेरी आ गई नॉन करंट एसेट और यहां पे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में वर्किंग नोट वन मतलब एज पर वर्किंग नोट वन जो मैंने नीचे वर्किंग नोट वन बनाया है दिस इज वन नंबर इसके अकॉर्डिंग जो आज की मेरी रिटन डाउन वैल्यू है एसेट्स की टोटल दैट इज वन लाख एटी टू थाउजेंड वन लाख एटी टू थाउजेंड तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब देखो बनाने को मैं स्टार्टिंग से ही इसको बहुत अच्छे से बना के डेकोरेट कर सकता था ठीक है बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न क्या है उसका सिंपल सा रीज़न ये है आई डोंट वॉन्ट कि तुम्हारा टाइम अभी फॉर्मेटिंग में वेस्ट हो तुम्हें पहले ये सब बनाना आ जाए ये सब बनाना आ जाएगा ये सारा बनाना सीख लोगे तो फॉर्मेटिंग वगैरह भी अपने आप आ जाएगी लेकिन पहले तुम्हें ये मेन बनानी सीखनी है चीज़ें ठीक है तो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी सेकेंड एडजस्टमेंट भी होगी थर्ड एडजस्टमेंट भी होगी फोर्थ एडजस्टमेंट भी होगी गुड चार एडजस्टमेंट होगी और क्या चाहिए हमें इतनी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स कर ली हमने इसके बाद नेक्स्ट इज इनकम टैक्स फॉर दर थर्टी फर्स्ट मार्च आर एस्टिमेटेड टू बी वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड इस साल के टोटल टैक्स होंगे हमारे वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है अब इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे अब इस साल का जो ये टैक्स है ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी तुमने एफ थ्री में पढ़ी होगी या जो ग्रेजुएशन में करके आए हैं उनको ये चीज के बारे में पता होगा कि इसके एडजस्टमेंट क्या होती है इनकम टैक्स की क्योंकि यहां पे मैं एडजस्टमेंट्स नहीं बताऊंगा गाइस ये चीज पुराने सब्जेक्ट में थी जब तुम एक लेवल हायर आते हो तो वहां पे पुराने सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाता है तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें इसके दो इफेक्ट पता होंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा यहाँ पे एक तो इसका इफेक्ट होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा अमाउंट का कॉलम ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं लिखूंगा इसको पहलीस्टमेंट वन थर्टी फाइव पहली, पहली थी और दूसरा इसका इफेक्ट आएगा अबे मुझे पे करना है तो ये मेरी बनेगी एक लाइबिलिटी तो दिस विल बी माय लाइबिलिटी तो ये मेरा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नीचे है तो करंट लाइबिलिटी में यहां लिख दूंगा मैं टैक्स पेबल ये है हमारा ठीक है टैक्स पेबल में मैंने लिख दिया कि ये है और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इसको वन थर्टी फाइव अभी दिखा दिया हो सकता है और कुछ भी हो साथ में अगर और कुछ हुआ तो ठीक है अदरवाइज इसी वैल्यू को यहां लिख देंगे तो ये भी मेरा हो गया इफेक्ट नेक्स्ट द टेन परसेंट लोन वॉज इश्यूड ऑन फर्स्ट अप्रिल एंड इज रिपेबल आफ्टर फाइव इन फ्रॉम दैट डेट मतलब जो हमने लोन इशू किए हैं अब यहाँ पे लोन कहीं होंगे ये रे ये जो लोन है एट्टी थाउजेंड के ये हमने फर्स्ट अप्रैल को इशू किए हैं दैट मीन्स इस पर इंटरेस्ट बनेगा तो एट्टी थाउजेंड का टेन परसेंट दैट मीन्स एट थाउजेंड हमारा हो गया इंटरेस्ट अब ये जो इंटरेस्ट है हमारा एट थाउजेंड ये इंटरेस्ट हमने पे नहीं करा अगर पे करा होता तो उसको हम यहाँ पर कहीं दिखाया होता कि हमने इंटरेस्ट पे करा है ठीक है अच्छा सॉरी हाँ सॉरी उसकी एडजस्टमेंट क्या है देखो गाइस इंटरेस्ट हमें इस ऑफ होता है हमारा एट थाउजेंड तो एट थाउजेंड इंटरेस्ट हमने पे करना था लेकिन एट थाउजेंड में से अगर हम देखें तो हमें इंटरेस्ट पेड ऑलरेडी दिख रहे फाइव थाउजेंड मीन फाइव थाउजेंड हमने इंटरेस्ट पे कर दिया थ्री थाउजेंड हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो दिस इज एडजस्टमेंट ठीक है ना फाइव थाउजेंड टोटल इंटरेस्ट हमारा एट थाउजेंड थ्री थाउजेंड हमने पे फाइव थाउजेंड हमने ऑलरेडी पे कर दिया तो थ्री थाउजेंड हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अब इसके दो इफेक्ट कहा आते हैं अब इफेक्ट डालते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा मैं यहां पे हमारा था फाइनेंशियल कॉस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट में फाइव थाउजेंड तो हमारी ये वाली वैल्यू है प्लस थ्री थाउजेंड हमारा है आउटस्टैंडिंग फाइव थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड हमारा है आउटस्टैंडिंग तो टोटल इंटरेस्ट एट थाउजेंड जाएगा और थ्री थाउजेंड आउटस्टैंडिंग है सो आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो लाइबिलिटी तो मैं यहां लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिस इज थ्री थाउजेंड ठीक है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट थ्री थाउजेंड अभी फॉर्मेटिंग बाय गाइस बाद में कर लेंगे जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करनी होगी अभी सिर्फ हम वैल्यूज लिख लेते हैं तो इंटरेस्ट का मेरा हो गया एडजस्टमेंट ये इंटरेस्ट मैंने लिख दिया जो लिख रहा हूं उस पर साथ साथ टिक कर रहा हूं इस इंटरेस्ट को मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन मेरी हो गई ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई लास्ट एडजस्टमेंट ईयर एंड प्रोविजन ऑफ वारंटी क्लेम्स हैव बीन एट है 75, ऑलरेडी अब इसके लिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वारंटीज होगा वारंटी प्रोविजन हमने प्रोविजन बनाया था अपना का का हमें लग रहा था पिछले साल के का हमारा वारंटी क्लेम हो जाएगी एक्चुअली क्या हुआ हमारी जो वारंटी क्लेम हुई वो कितनी हुई हमारी सेवेंटी फाइव थाउजेंड मीन फिफ्टीन थाउजेंड एक तरह से हमारा प्रोविजन बच गया तो हमने पहले पूरा नाइन्टी थाउजेंड को अपना एक्सपेंस दिखा दिया था वारंटी वाले को बट उसमें से खर्चा सेवेंटी फाइव हुआ है तो फिफ्टीन का हमारे को एक तरह से प्रॉफिट हो गया तो ये चीज हम एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में मैं यहां पे इसको माइनस कर दूंगा माइनस फिफ्टीन थाउजेंड क्यों माइनस करूंगा गाइस क्योंकि फिफ्टीन थाउजेंड ये पार्ट अलग है ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस और ये डिफरेंट है ठीक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड है ये ठीक है अब पॉइंट क्या है इसका कि मैंने जो सोचा था पहले मुझे लग रहा था कि सेवनटी फाइव थाउ नाइन्टी थाउजेंड का मेरा खर्चा हो जाएगा तो मैंने प्रोविजन भी बना दिया और उसको मैंने अपना खर्चा भी पिछले साल दिखा दिया नाइनटी थाउजेंड का इस साल पता चला कि खर्चा तो सिर्फ मेरा सेवनटी फाइव थाउजेंड ही होना है दैट मीन्स फिफ्टीन का तो मेरा फायदा हो गया तो ये फायदा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में माइनस कर दिया कि पहले मैंने यहाँ पे पिछले साल एक्सपेंस दिखाया होगा तो यहां मैं इसको ऐड कर देता हूँ दिस इज नॉट माई अदर इनकम दिस इज लाइक एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक्सपेंसिज मैं ही माइनस कर दूंगा तो यह मेरा वारंटी क्लेम भी खत्म हो गया अब गाइज देखो मैंने एडजस्टमेंट सारी कर ली और इस वारंटी का इफेक्ट भी दिखा दिया तो मैंने क्वेश्चन में अभी क्या किया है जिस जिसका इफेक्ट मैं दिखा चुका हूं उन सबको मैंने यहां पर टिक कर दिया कि यह चीज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं अब इसके अलावा जो बैलेंस चीजें हैं उनको स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल वेरी सिंपल कैसे यहां से स्टार्ट कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मेरा वन सेवेंटी तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा प्लस तुम चाहो तो होगा इस एग्जाम में इसको नहीं इसको तुम सीधा सीधा वैल्यूज यहां पे लिख सकते हो बट ये सिर्फ मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए करा है तुम इसको कॉपी में भी कर सकते हो तुम्हें कॉपी कहीं ऐसा नहीं है सबमिट करनी पड़ेगी ये वर्किंग तुम कॉपी में भी कर सकते हो यहां पे सिंपल बाद में आंसर निकाल सकते हो मैं सिर्फ यहां तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे करा बिकॉज ऑब्वियसली कॉपी में नहीं कर सकता आई डोंट हैव अ कॉपी और अगर है भी तो तुम्हें शो नहीं कर सकता इसीलिए मैं सारी कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए वैल्यू कैसे आई है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया मेरा देन है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल टू अब इसके लिए मुझे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना पड़ेगा इज मैंडेटरी या चेंजेस इन इक्विटी की गाइस आई थिंक इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें चीजें कुछ भी नहीं दी हुई नहीं इसमें चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनाते तो कैपिटल हमारी है टू लाख की तो यहां पे मैं जाता हूं कैपिटल 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 इज शेयर कैपिटल यहां पर लिख देता हूँ शेयर कैपिटल के आगे टू लाख इसके बाद ये भी हो गया देन आता है मेरा डिविडेंड डिविडेंड मैंने जो मेरा डिविडेंड है दैट इज ऑन डेबिट डेबिट साइड साइड डिविडेंड का मतलब क्या है कि ये डिविडेंड मैंने पिछले साल पे करना था मतलब डिविडेंड एक तरह से हाँ, पिछले साल मैंने डिविडेंड पे करना था मैंने इसको डेबिट में दिखाया हुआ है तो डिविडेंड मैं अपने प्रॉफिट में से माइनस करूंगा तो रिटेन अर्निंग मेरी जो भी आएगी इसमें से मैं डिविडेंड को माइनस करूंगा कि मैंने डिविडेंड पे कर दिया अभी वैल्यूज़ और देखते हैं, डिविडेंड लिख दिया अच्छा सिक्स हंड्रेड है 6, 000, 6, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस इन हैंड तो कैश एंड बैंक बैलेंस मेरा कैश में आ जाएगा यानी करंट एसेट में तो दिस इज कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है मेरा कैश इन बैंक बैलेंस नाइन थाउजेंड उसके बाद इनकम टैक्स अब पिछले साल का जो मेरा इनकम टैक्स का बैलेंस था दैट वाज टेन इनकम टैक्स का बैलेंस था मेरा टेन दैट वाज अ लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी साइड दिख रहा था कि मेरा ये टेन नहीं सॉरी लाइबिलिटी नहीं डेबिट है तो मेरा इनकम टैक्स का एक्सपेंस था टेन थाउजेंड तो पिछले साल का मैंने टेन थाउजेंड पे करा तो अभी एक्सपेंस है एक चीज गाय याद रखना जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसका एक इफेक्ट आता है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसके दो इफेक्ट आते हैं तो इसका सिंगल इफेक्ट तो ये जो इनकम टैक्स माई एक्सपेंस एक्सपेंस को मैं, में कर दूंगा अच्छा मैंने वन लैख थर्टी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कर दिया था सॉरी तो प्लस कर दूंगा कितना है मेरा थाउजेंड का एक और टैक्स है ठीक है ये भी हो गया उसके बाद ये तुम्हें तो वर्किंग नोट में करना है मैं तो मतलब कॉपी भी बनाने, मैं तो यहां पे कर रहा हूं उसके बाद तुम्हारा इनकम टैक्स भी हो गया वारंटी भी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू फोर्टी तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसी में ऐड कर देते हम टू फोर्टी में ऐड कर दी ये भी हो गया ये भी गया ये भी गया ये भी गया रिटेन्ड अर्निंग मेरी ओपनिंग थी टू लाख सेवेंटी थाउजेंड तो रिटेन्ड अर्निंग अब रिटेन अर्निंग का मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गाइस ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितना डिविडेंड दे दिया कितना प्रॉफिट आया प्रॉफिट भी रिटेन अर्निंग में ऐड होता है तो वर्किंग नोट नंबर टू रिटेन अर्निंग्स अब रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग रिटेन अर्निंग उसके बाद एड प्रॉफिट फॉर द ईयर ये सिंपल गाइस जो हम कॉपी में करते हैं मैं सिर्फ यहां पे तुम्हें करके दिखा रहा हूं बट ये वर्किंग नोट्स तुम्हें एग्जाम में बनाने हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन तुम्हें दिखाना पड़ेगा तो एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस डिविडेंड पेड और ये आ जाएगा क्लोजिंग तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमें कितनी दी हुई है टू लाख सेवेंटी थाउजेंड प्रॉफिट फॉर द ईयर तो भी हम निकालेंगे डिविडेंड हमने कितना पे करा था गैस वो हमने ऊपर लिखा था सिक्स थाउजेंड तो क्लोजिंग का मैं फॉर्मूला यहां ऑलरेडी बनाता हूं ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग तो 264 ये जो नेट वैल्यू आएगी हम बाद में देख लेंगे तो so, रिटेन भी मेरा हो गया लोन नोट एटी थाउजेंड इस पर मैं इंटरेस्ट निकाल चुका हूं इंटरेस्ट का वर्क मैं कर चुका हूं तो so, ये लोन है तो दिस विल बी माय लाइबिलिटी तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्योंकि पांच साल बाद पेमेंट होना है तो आई एल राइट एट लोन ये थे मेरे एटी थाउजेंड के रिटेन अर्निंग में से हटा देता हूं क्योंकि मैंने इसका वर्किंग नोट ऑलरेडी बना दिया है परचेजेस फोर सेवेंटी तो परचेजेस का इफेक्ट मेरा कहाँ था कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो परचेज के लिए जो मैंने जीरो छोड़ा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज तो है फोर तो सेवेंटी परचेज आ गया फोर सेवेंटी सेल्स तो सेल्स मैं सीधा यहां लिख देता हूं इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मेरा यहां जीरो पे आ जाएगा जो मैंने चीज बताई थी ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली चीजों का एक ही इफेक्ट होता है ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल इज माई करंट लाइबिलिटी सिक्सटी थाउजेंड और ट्रेड रिसिवेबल इज अ करंट एसेड ट्रेड रिसिवेबल मेरा है सेवन टू एट जीरो 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 ठीक है अब गाइज मैंने ट्रायल बैलेंस की सारी फिगर सब पे टिक हो गया एडजस्टमेंट्स मैंने सारी कर ली सबका इफेक्ट मैंने डाल दिया अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो सेल्स रेवेन्यू मेरा हो गया रेवेन्यू के बाद मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ही कैलकुलेशन करते हैं मैं तो गैस यहीं पे करूंगा कैलकुलेशन मैं तो यहीं करूंगा तुम कैलकुलेटर पे करना प्लस जिसको समझना है वो समझ भी सकता है ब्रैकेट में सिक्सटी डिवाइड बाय हंड्रेड इनटू तो ये मेरा आ गया

ब्रैकेट में ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड इनटू थर्टी थाउजेंड ब्रैकेट क्लोज प्लस टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरी टू फोर्टी सिक्स आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मेरी आ जाएगी इसमें इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ थ्री मेरे को पता ही सिक्स थाउजेंडेंड सिक्स थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड थाउजेंड तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो ये मेरा आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंस कॉस्ट मेरी यहां से एट थाउजेंड आ रही है अदर इनकम मेरे को क्वेश्चन में कोई गिवन ही नहीं थी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स तो सीधा टोटल कर हूं 145 पता ही बताइए मुझे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस माइनस तो थ्री लाख फिफ्टी टू थाउजेंड मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थ्री लाख फिफ्टी टू थाउजेंड का मैं क्या करूंगा जो मैंने यहां प्रॉफिट फॉर द ईयर था तो थ्री लाख फिफ्टी टू थाउजेंड ये लो अब ये मेरा सरप्लस आ गया रिटेनर अर्निंग रिटेन अर्निंग कितनी है सिक्स लाख सिक्सटीन थाउजेंड तो रिटेन अर्निंग को मैं ऊपर लिख देता हूं सिक्स लाख सिक्सटीन थाउजेंड तो रिटेन अर्निंग सिक्स लाख सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है गाइस अब मैंने सारी वर्किंग अपनी कर ली सब कुछ कर लिया अब हम टोटल देखते हैं तो टोटल इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एसेट सारे मैं ऐसे कर लेता हूं सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर तो एसेट का टोटल मेरा आ रहा है वन वन सिक्स नाइन ट्रिपल जीरो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इन सबका टोटल और लाइबिलिटी साइड का भी देख लेते हैं सारी वैल्यूज में डाल चुका हूं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर यहां कुछ गड़बड़ आ रही है कुछ गड़बड़ करिए मैंने लेट्स सी देखो टैक्स पेबल हो गया ये था उसमें सिक्सटी ये था Loan notes थे ठीक है एक सेकेंड गड़बड़ करी थी मैंने रुको मैंने ये प्रोविजन फॉर वारंटी मेरे थे 90, effect 75. तो मैंने 50, अच्छा। मेरे अभी इसमें, एक गलती मेरी ये रहेगी कि वारंटी क्लेम मेरे जो है वो सेवनटी फाइव के हैं तो मैं एक्चुअली इसमें हाउ कैन आई चेक द डिफरेंस मैंने क्या किया इज इक्वल टू जो मेरे एसेट का टोटल था माइनस जो मेरी लाइबिलिटी का टोटल है तो मेरा सेवेंटी फाइव थाउजेंड का डिफरेंस है तो क्वेश्चन में मैंने देखा कि वारंटी क्लेम से तो मुझे याद है कि वारंटी क्लेम्स तो मेरे 90,000 के क्लेम में से पंद्रह का मेरा फायदा हो गया तो रिमेनिंग सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो क्लेम्स हैं अभी तो वारंटी क्लेम्स अब मेरे हो जाएंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड पहले नाइनटी थाउजेंड की लाइबिलिटी थी मैंने 15 कम कर दिए तो 15 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिए तो वारंटी क्लेम में यहां पे भी तो 15,000 ही कम करूंगा ना तो बाकी तो वारंटी मेरी आई जाएगी वारंटी क्लेम मेरे जो 90,000 थे उसमें से 15,000 तो मेरे वारंटी क्लेम सेट हो गए कम हो गए तो 75 तो रह गए ना देखो ऑटोमेटिकली अब टोटल मैच कर रहे का टोटल और ये लाइबिलिटी का टोटल अब इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं कंट्रोल बी ठीक है गाइस तो ये तो मैंने बना लिया अपना सारा क्वेश्चन कर लिया अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग तुम्हें अगर थोड़ी सी अच्छी करनी है तो कैसे इसको करोगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये तो सारा मेरी कैलकुलेशन थी अब देखो गाइस मैं इसकी एडिटिंग कैसे करता हूं मैंने सारी कैलकुलेशन जो थी ये सारी मैं डिलीट कर रहा हूं नीचे नहीं अच्छा मेरे कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है वेरी गुड क्या यार Sorry guys, मेरे इसमें थोड़ा सा डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो मेरे को इंडिविजुअल करना पड़ रहा है ये तो वर्किंग नोट है तो दिखाना पड़ेगा अच्छा वर्किंग नोट नंबर टू था रिटेन अर्निंग का तो रिटेन अर्निंग में मैंने आगे लिख दिया वर्किंग नोट टू ठीक है अब देखो थोड़ी सी शिफ्टिंग मैं करता हूं ताकि थोड़ा सा बेटर हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ठीक बने ग्रॉस प्रॉफिट को डाक कर देते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को डाक कर देते हैं प्रॉफिट हो क्या हो गया इसको डाक कर देते हैं इसको डाक कर देते हैं ठीक है उसके बाद पर्टिकुलर एसेट्स करंट एसिड टोटल हमने डाक कर दिया इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं बिल्कुल उसके साथ ही चिपक गया है यहां जगह थोड़ी खाली है कंट्रोल एक्स नीचा के कंट्रोल वी ये लो ठीक है ये हटा देते हैं हम क्योंकि ये अमाउंट हमने ऊपर भी लिखा हुआ था ये देखो ये हमने यहां पे भी लिखा हुआ पर्टिकुलर अमाउंट इसको भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं Ctrl -X, Ctrl Ctrl -X. इस चीज़ में अगर तुम नॉर्मल कटिंग पेस्टिंग कर रहे हो तो टेंशन मत लेना फॉर्मलेज खराब नहीं होंगे जैसे फॉर्म हैं तुम्हारे वैसे ही रहेंगे तो ये एसिड साइड को इसको भी बोल्ड कर देते हैं एसिड है इसको भी बोल्ड कर देते हैं कि ये लाइबिलिटी है बस। इससे ज्यादा अभी के लिए मत करो तो दिस इज हाउ यू हाउ यू हैव हाँ टू हाँ तो सॉल्व अ क्वेश्चन ठीक है अब देखो कितनी बढ़िया समझने वाले को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट ये तो दिस इज हाउ यू हैव टू शो क्वेश्चन इन योर एक्सेल तुम चाहो तो ये सारी वर्किंग अपनी वर्किंग नोट्स में भी करके कॉपी पे करके सीधा यहां पे एक्सेल में वैल्यूज पंच इन कर सकते हो सीधा टाइप और पेस्ट मैंने तो यहां पे इसलिए करी थी ताकि तुम्हें हर चीज दिखा सकूं तो तुम्हें पूरी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनाना है और वर्किंग नोट्स गाइज दीज आर मैंडेटरी ये बनाने ही बनाने हैं इनका कोई ऑप्शन नहीं है कि इनको छोड़ दो ठीक है बहुत जरूरी है ओके okay गाइस तो ये मैं तुम्हारे को फॉर्मेट नहीं दे रहा हूं कभी तुम सोचोगे सर ये फॉर्मेट हमें दे देंगे ताकि हम यूज कर लें ये फॉर्मेट में नहीं दे रहा हूं खुद ये फॉर्मेट एक्सेल में बनाओ पांचे बार दस बार बनाओगे अपने आप तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा बट तुम्हें खुद करना पड़ेगा आई विल नॉट हेल्प यू क्योंकि यू आर नाउ कमिंग इन टू अर लेवल दैट इज स्किल और यहां पर तुम्हें अपने स्किल्स खुद दिखाने पड़ेंगे मैंने तुम्हें तरीका बता दिया सब कुछ कर दिया यू हैव टू डू दिस दिस थिंग नाउ ठीक है गाइज अब इसके बाद, so, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया अब इसके बाद देखो सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है तो यहां से देख लेना जो भी है और इसके बाद इन्होंने दो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वन एंड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टू पहले मैं इसका डिफरेंस बता देता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ये करके उसके बाद चैप्टर खत्म जो नीचे इन्होंने दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं वो तुम्हारे लिए होमवर्क है वो तुम खुद करोगे टिल माई नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सेल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि ऐसा हो कि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई भी क्वेश्चन करें तुम्हारे को एक्सेल की वर्किंग में डरना लगे एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट कि उसकी वर्किंग में डरना लगे तुम इसकी एडिक्शन हो जाए कि हाँ हाँ सर अब तो आदत हो गई बैलेंस शीटें बना ली इसमें तो अपने कंप्यूटर पे इसको मोबाइल पे मत करना अपने कंप्यूटर पे ही करना प्लीज मोबाइल पे कभी भी एक्सेल ठीक से नहीं चल पाएगा तो कंप्यूटर पे ही करना आपने अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आने में तो किसी साइबर कैफे में जाके वहां पे करें बट कंप्यूटर मोबाइल पे ये चीज मत ट्राई करना मोबाइल पे गाइस दो तीन घंटे लग जाएंगे सिर्फ एक कैलकुलेशन करने में वो मत करना ठीक है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है छोटा सा दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये हमने ऑलरेडी एफ और एफ दोनों में ही पढ़ा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्राइवेट भी होती हैं पब्लिक ही होती हैं लेकिन इनका मोटिव पैसे कमाना नहीं होता ठीक है और प्रॉफिट ओरिएंटेड सेक्टर होते हैं जिनका मोटिव पैसे कमाना होता है तो द मेन एम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज आर वेरी डिफरेंट सो नॉट फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक एंटिटीज दोनों होती हैं पब्लिक एंटिटीज आर ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ये भी हम एफ वन में देख चुके हैं ठीक है ना पब्लिक एंटिटीज पब्लिक सेक्टर लाइक स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स ये वैसे हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं जो पैसे कमाते हैं बट हम इनको पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में बोलते हैं जिनका टारगेट पैसे कमाना नहीं होता तो प्रॉफिट ऑरियंटेड सेक्टर फाइनेंशियल एम इज टू तो मेक प्रॉफिट फाइनेंशियल एम इज टू तो अचीव वैल्यू ऑफ मनी और सर्विस प्रोवाइडेड प्रॉफिट ऑरियंटेड सेक्टर में डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर नॉट फॉर प्रॉफिट में मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू दी ट्रस्टीज गवर्नमेंट एंड पब्लिक क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है पैसे नहीं कमा रही है तो जो भी कंपनी जो भी इन सेक्टर्स को संभाल रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट को या ट्रस्टीज को जिन्होंने इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ है उनके लिए लाइबल होंगे एक्सल फाइनेंस फ्रीली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ लोन्स एंड शेयर कैपिटल फाइनेंस जनरली लिमिटेड टू डोनेशन एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज नॉट फॉर प्रॉफिट वालों को लोन नहीं मिलता नॉर्मली क्यों अब इनको लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बैंक लोन उसी को देते हैं ना कि वो इंटरेस्ट चुका सके इंटरेस्ट कौन चुकाएगा जो पैसे कमा रहा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो पैसे कमाते ही नहीं है ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं वो ब्लड्स वगैरह देती है अगर बैंक उनको लोन देगा तो वो लोन कैसे चुकाएंगे सारा पैसा तो यूज कर लेंगे हाउ विल दे हाउल लोन तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जनरली लोन नहीं मिलता ठीक है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ये पूरा चैप्टर है तो हमें ये पूरा चैप्टर करना है तो मैं ये बात अभी नहीं पढ़ा रहा हूं इसको यू कैन जस्ट लीव ये पूरा एक चैप्टर हमारा अलग से आएगा ठीक है गाइस तो ये चैप्टर हमारा यहां पे खत्म होता है इसके जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले ये तुम कर लेना काफी बड़ी वीडियो बन गई है बट प्लीज गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट जो ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं मुझे प्लीज बताना कि तुम्हारे को ये वीडियो देख के थोड़ा सा एक्सेल या स्प्रेडशीट में काम करने का अंदाजा पता लगा है जो तुम एग्जाम में करना है एंड आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रही है तुम्हारे लिए ठीक है गाइस सो टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम